बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही मज़े का बनता है मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त। ये देखिए कितना ही मज़े का तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त रेसिपी, बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम ऐल लिया है, 1 किलो मेरे पास चिकन है। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा ऐल गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करें। एक छोटा सा प्याज था हमारे पास, हमने उसे बारीक काट दिया है। हमारे प्याजों को हल्का ब्राउन करना है। ये देखें हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारे 5 मिनट हमने अपने चिकन को फ्राई किया। अब टमाटर ऐड करेंगे बारीक कटे हुए, 2 दरमियाने साइज के। मज़े 5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मिनट के लिए मज़ीद भूना है। अब इसमें अपना गरम मसाला ऐड करेंगे। Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हफ्ते जायका नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 200 ग्राम दही डालेंगे। गाढ़ा दही है हमारे साथ, घर का बना हुआ। पाँच मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चुटकी काली मिर्च पाउडर डालेंगे। मज़ीद 2 मिनट के लिए भुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा कढ़ाई गोश्त बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए।